उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भले ही 1.5 साल बाद है, लेकिन सियासत अभी से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोध का चेहरा बन चुके डॉक्टर कफील खान की सूबे के मुस्लिम समुदाय के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता देखने को मिल रही है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां डॉक्टर कफील खान को अपने अपने पाले में लाने के लिए उत्सुक लग रही हैं, लेकिन इन सब में सपा से आगे कांग्रेस निकलती दिख रही है। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के आदेश पर मथुरा जेल से रिहाई के बाद डॉक्टर कफील खान की भले ही कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के साथ सियासी बॉन्डिंग नजर आ रही हो, लेकिन डॉक्टर कफील अपने राजनीतिक पत्ते नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने जयपुर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी धन्यवाद किया, जबकि कफील खान को मथुरा जेल से जयपुर ले जाने का काम कांग्रेस नेताओं ने किया। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी की सलाह पर ही वो राजस्थान गए जहां कांग्रेस सरकार है। इस बात को कफील खान खुद भी स्वीकार कर रहे हैं और कहा कि प्रियंका गांधी ने उनकी मदद की है और उनके कहने पर वो जयपुर आए हैं, और कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है इसलिए हम यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि यूपी जाएंगे तो कोई ना कोई केस लगाकर फिर से हमें जेल में डाल दिया जाएगा। सौ फीसदी प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।